महादेव कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं ना मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। उस इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा आएगा दिल तो तुम्हारे पास होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं। बड़े मतलब ही निकलते हैं वो सभी लोग जिन पे हम बेशर्त बे इंतहा बिना मतलब के अपना सब कुछ लुटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, बहुत सी जगह पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी दुनिया को गलत लगते हैं, बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आप वो नहीं करते जैसा लोग चाहते हैं कि आप करें। इस मुश्किल को कोई तो सुलझा दे, किसी को भूला कैसे जाता है कोई तो बता दे। दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए अगर लोग एक दूसरे के बारे में नहीं एक दूसरे से बोलना सीख जाए तो। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत ही भूल जाता है। आंसू चाहे इंसान के हों या जानवर के हों, लेकिन ये बाहर तभी आते हैं जब दिल में बे इंतहा दर्द होता है। जिन लोगों को रिश्तों की कदर होती है ना वो मनाने से मान जाते हैं, और जिन लोगों को रिश्तों का मोल ही नहीं होता वो छोटी सी बातों पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। बातें कम करो और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीजें हैं जो हो जाए तो टूटती नहीं, और जो अगर टूट जाए तो होती नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक को भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। घमंड बहुत भूखा होता है और इसकी पसंदीदा खुराक है हमारे रिश्ते। दिल में बुराई रख के जुबान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसको अपनाया दिल से अपनाया, और जिसको छोड़ा दिल से छोड़ा। जिंदगी में अब नाराज किसी से भी नहीं होना है, बस अब मतलबी लोगों को नजरअंदाज करके जीना है। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं, वरना बुरे लोगों की अच्छाई आपका बुरा वक्त आते ही गायब हो जाती है। जो इंसान अपने दिल के इमोशंस अपनी भावनाओं से लड़ना सीख गया, समझ लेना वो जिंदगी जीना सीख गया। पहली मोहब्बत शायद इसीलिए कामयाब नहीं होती ताकि तुम्हें दूसरी मोहब्बत की कीमत का पता चल सके। दुनिया वाले एक गलती पर भी हमें पराया कर देते हैं, लेकिन माँ बाप हमारी हजार गलतियों के बाद भी हमें अपना बना लेते हैं। मत बनाओ किसी को सब कुछ अपना, अगर वो चला गया ना तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं। नहीं है कोई शिकायत गैरों से जनाब, लेकिन उम्मीद अब अपनों से भी नहीं है। कभी गौर से देखना, ज्यादा हंसने वाला इंसान अंदर से बहुत रोता है। हम सच बोलते हैं इसीलिए जहर लगते हैं, झूठ बोलते तो सब लोग वाह वाह करते। अपने आप को किसी के साथ का आदि ना बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। कुछ जख्म दर्द का वो मुकाम भी पार कर जाते हैं जिन पर नमक छिड़को या तेजाब कुछ महसूस नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज हो, प्यार परवाह और इज्जत बहुत अच्छी गिफ्ट होती हैं। कुछ तो कहेगा ही जमाना, मगर तुम मुश्किलों से हार मत जाना। शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है क्योंकि मेरी आंखों से बारिश होती रहती है। हमारा वक्त बुरा नहीं था जनाब, हमें तो लोग ही बुरे मिले थे। जिनका कुछ वजूद होता है
वो बिना किसी पद के भी मजबूत होता है। तुम धोखेबाज हो, ये तो हम जानते थे, पर तुम कितना गिरोगे बस हम ये देखना चाहते थे। जो इंसान अपनी बात पर ही ना टिक पाए उसे रिश्ता तोड़ लेना ही उचित है, क्योंकि वह किसी के भी साथ रिश्ता निभा नहीं सकता। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि अगर वो आपको छोड़ के जाए तो फिर किसी का भी ना हो पाए। कुदरत के दो रास्ते हैं, एक देकर जाओ और दूसरा छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपने आज पर घमंड मत करना। मोहब्बत में प्यार मिले या ना मिले, पर याद करने के लिए एक चेहरा जरूर मिल जाता है। तू नहीं तो तेरी याद ही सही, हमें तो बस जिंदगी काटनी है। इजाजत हो या ना हो, इश्क तो बस तुमसे ही रहेगा। यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा मित्र और कोई नहीं हो सकता। रिश्ते, कुछ रिश्ते हैं जो खास हैं, कुछ अपने जो मेरे पास हैं। कुछ रिश्तों ने खामोश किया, बस अपनों से ही एक आस है। जो पहले मेरे खास थे उन्होंने विश्वास तोड़ा है। कुछ ने खेला जज्बातों से, उनको एहसास नहीं है। कुछ हाथों से छूट रहे हैं, कुछ धीरे धीरे रूठ रहे हैं। कुछ ने मुखौटे पहने हैं और कुछ अपनों को ही लूट रहे हैं। रिश्ते, कुछ जो मेरे खास हैं और कुछ जो मेरे आसपास हैं। अकल ने बहुत देर कर दी थी आने में, इश्क अपना काम करके निकल चुका था। बड़ा सोचोगे तो ही बड़े बन पाओगे। जितना बुरा होना है होने दो, जरा मुझे भी मेरे कर्मों से रूबरू होने दो। बगावत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, रोक सके शेर को इतनी गीदड़ों में ताकत नहीं। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि कोई इसी का नहीं होता। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच कभी गरीब नहीं होनी चाहिए। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब इंसान अकेला होता है, बल्कि तब महसूस होता है जब उसकी कोई परवाह नहीं करता। अब शौक ही नहीं रहा कि खुद को साबित करूं, अब तो जो आप समझो वही हूं मैं। आंसू भी आते हैं, दर्द भी छुपाना पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। इश्क में फना होने का अब वो दस्तूर कहाँ, मुसाफिर सा है इश्क, आज यहाँ तो कल वहाँ। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास को खो देना, और कठिन काम है उस विश्वास को पाना, और उससे भी अधिक कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। बहुत नजदीक से देखी है दुनिया हमने, अभी तो सबसे दूर होकर बैठे हैं। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। कीजिए अपनी निगाहों को एक चेहरे पे पाबंद, हर सूरत पर लुट जाना तो ही ने वफा होती है। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कद्र ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तां हमारी, जो दिल पे गुजरी है वो दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त सिर्फ इतनी है कि शरारतें करो, साजिशें नहीं। खुश नसीबी में बस एक ही ऐब है,
कि वो बदनसीबों के घर नहीं आती। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है, वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। लोग चुराने लगे हैं शायरियां मेरी, गुजारिश है कभी मेरा दर्द भी चुरा कर देखो। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। आज तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, जमाने ने समझा हमारा दौर ही खत्म हो गया। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा न था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा न था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे, अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो हमें ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हों। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रख कर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं है, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफरत है अब उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतजार है अब उनका, ना कोई शिकायत बची है। होई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती है। मौत से पहले भी एक मौत होती है, पिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। मैंने अपनों को गैरों सा व्यवहार करते देखा है, और लोग कहते हैं कि अपना अपना ही होता है। इज्जत मिट जाए जिस जगह से वो दहलीज कभी मत लांगना। जिंदगी हो या इश्क हो, लेकिन भीख कभी मत मांगना। बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक वो शख्स जो हमसे ज्यादा हमारा हो। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कुछ मजा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मजा है। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, पर झूठ के पर्दे के पीछे
किसी का भरोसा कभी मत तोड़ो। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। माना मौसम भी बदलते हैं, मगर धीरे धीरे तेरे बदलने की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। दूसरों के घरों में जाकर पंचायत वही लोग करते हैं जिनकी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। चाहने में और पाने में बहुत लंबी दूरी होती है। एक चाहत है मेरी कि एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। जख्म प्यार का तो भर गया, पर निशान दिल पे छोड़ गया। ये मोहब्बत का जुनून था जो सरेआम नीलाम कर गया। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। आप बस पैसा अपने साथ रखो, वक्त और लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। तराशिए खुद को कुछ इस कदर कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाला अफसोस में रहे। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर। बस अंतर तो सिर्फ इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से कि जितनी कदर करोगे उतना परेशान रहोगे। बहुत ख्याल रखते हैं वो अपने दिल का, इधर नहीं लगता तो उधर लगा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाते हैं। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती है, सुकून वहीं से शुरू होता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक होता है। दुख जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। हर दर्द सबक देता है और सबक इंसान को बदल देता है। बहुत अकेले होते हैं वो लोग जो खुद ही रूठ कर खुद ही मान जाते हैं। दिल से खूबसूरत लोग बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इंसान की फितरत यही है कि मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो कद्र नहीं करता। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वो इंसान बड़ा। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ठगे जाओगे और उतने ज्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा
तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो, अमावस की रात में चांद चाहते हो, रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस न होने देना, जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। ये दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हों। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत।